हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन सिटी ऑफ स्कूल्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर व्हिच इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेट अस टॉक अबाउट इट। आइए हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। सो हम लोगों ने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, और इसमें से ऑलरेडी जो है अफ्रीकन पार्ट कटा हुआ था, तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया। सो आफ्टर इट यू नो द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से आगे बढ़ा, क्या रास्ता था कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने का, वी हैव स्टडीड अबाउट इट। लेट अस टॉक अबाउट नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम लोग बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, जिसको हम कहते हैं संविधान सभा। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो शुरुआत थी, अगर इसको देखा जाए तो कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी। तो कैबिनेट मिशन के बेसिस पे हमारे देश में 1946 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई। ठीक है, गठन हुआ था, और इसकी पहली बैठक जो है 46 में ही दिसंबर 9 को जो है इसकी पहली मीटिंग हुई थी। ओके, सो हु देन वर मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तो इसकी डिटेल हो गई, लेट अस टॉक अबाउट इन डिटेल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बात आती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स कौन थे। यू विल फाइंड हियर वेरी ब्राइफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से लोगों के नाम दिए गए हैं, जयपाल सिंह हैं, एफ सी मुखर्जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एच सी मुखर्जी हैं, तो ऐसे तमाम डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख हैं, तो ये सब ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट रहे, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाई एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो ड्राफ्टिंग था कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्राफ्टिंग मतलब इसको बनाना, तो जो ड्राफ्टिंग थी डॉक्यूमेंट की, इस जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इट वॉज डन बाई एन असेंबली, ये एक असेंबली के द्वारा किया गया। असेंबली मीन्स एक सभा के द्वारा किया गया, एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, उनकी अपनी एक असेंबली थी, उनके अपने एक ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशन था, उनके द्वारा किया गया। और उनमें भी सब ने नहीं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तब भी था, आज भी है, पॉपुलेशन के रिगार्ड से अगर हम बात करें, तो सब लोग मिल करके तो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते थे, या सब लोग मिल करके जैसे आज देश चला नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने द्वारा इलेक्ट करते हैं लोगों को, हम लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो हमारे लिए देश को चलाते हैं। सेम इट हैपेंड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है चुने गए जो इलेक्शंस के द्वारा 37 के इलेक्शन के माध्यम से, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सभी लोगों को जगह दी गई, जितनी भी लोकल पार्टीज थी, नेशनल पार्टीज थी, सबको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 46, 1946 की जुलाई में इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठन करने के लिए। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 46, दिसंबर 1946 में इसकी पहली मीटिंग हुई। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि 9 दिसंबर को, ठीक है, इसकी पहली मीटिंग हुई थी, जिसके टेम्प्रेरी जो सबसे बूढ़े सदस्य थे उस असेंबली के, एस सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया, उसका प्रेसिडेंट बनाया गया उस असेंबली का। लेकिन उसके दो दिन बाद ही 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ठीक है, सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, जल्द ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। सो द बंटवारा होने के बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, क्योंकि उसके पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था, तो असेंबली के भी दो हिस्से हो गए, एक पाकिस्तान का हो गया, एक भारत का हो गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने भारत का संविधान लिखा उसमें 299 मेंबर्स थे। ओके, द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1946, हमारे देश का संविधान जो अडॉप्ट हुआ वो हुआ था 26 नवंबर 1946 को। ठीक है,
26 नवंबर, बट एक्चुअली हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे, अपना रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को से मनाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि जब 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और हमारा देश जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1950, यू नो ऑलरेडी हमारा देश फ्री हो चुका था 15 अगस्त 1947 को, तो इंडिपेंडेंट डे हमारे पास ऑलरेडी बुक हो चुका था। और इसके पहले, आज़ादी के पहले, हम 26 जनवरी को हर साल 1930 से ही हर साल इंडिपेंडेंट डे मनाते आए थे। तो उस दिन को बरकरार रखने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए देश के लीडर्स ने क्या किया कि संविधान भले ही 26 नवंबर को बन गया, लेकिन 2 महीने इंतज़ार किया और 26 जनवरी को फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, इस वजह से 26 जनवरी 1950 से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे, और इसके लिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। बच्चों, रिपब्लिक डे क्या होता है, एक रिपब्लिक होना क्या मतलब होता है? जब हम रिपब्लिक होने की बात करते हैं, सो रिपब्लिक मीन्स वेयर देयर इज, रिपब्लिक कौन सा देश होता है, जिस वेयर देयर द हेड ऑफ द नेशन इज ऑल्सो इलेक्टेड बाई द इलेक्टोरल प्रोसेस, जहाँ देश का मुखिया भी चुन करके आता हो, इलेक्टोरल प्रोसेस से चुन के आता हो, उसको हम रिपब्लिक कहते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दोनों इलेक्शन से चुन के आते हैं। ठीक है, देयरफॉर वी आर अ रिपब्लिक। सो व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स एगो, तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करते हैं जो 6 से ज़्यादा डिकेड्स, 60 से ज़्यादा वर्ष पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को हम आज भी क्यों एक्सेप्ट करते हैं? वी हैव ऑलरेडी नोटेड अर वन रीज़न अबव, इसके लिए हमने एक रीज़न जो है नोट किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेम्बर्स अलोन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, ये केवल हमारे जो मेम्बर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उनके मेम्बर्स के अकेले व्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, ये अपने समय की सबसे बड़ी सहमति, जो एक कंसेंट था, उसको दिखाने का एक नजरिया है, एक संविधान जो है ये सबकी सहमति का फल था। ठीक है, सो इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, ये अपने समय का एक बहुत विस्तृत सहमति दिखाता है, एक चेतना दिखाता है। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश, बहुत से देशों को यू नो दुनिया के ये हैड टू राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें अपने देश का संविधान लिखना था, लिखना पड़ा अफ्रेश, बिकॉज द बेसिक रूल वर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पोलिटिकल पार्टीज। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो देश, जब हम फ्री हुए तो हमारे बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे बीच में नियम कानून थे अंग्रेज़ों के, वो बहुत ही ऑपरेसिव थे, उनसे एक डेमोक्रेटिक देश को चलाना मुश्किल था। तो लगभग सभी देशों के सामने इससे समस्याएं आईं, तो उन्हें अपने संविधान को लिखना पड़ा फिर से, ठीक है, फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा, कुछ बेसिक रूल्स बनाने पड़े ना, और कुछ हटाने पड़े जो लोगों को एक्सेप्टेबल था, जो नहीं था। ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पोलिटिकल पार्टीज, इन सब ने अपनी सहमति दे करके इसको बनाया। इन सम अदर कंट्रीज, कुछ और देशों में द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर, कुछ देशों में कॉन्स्टिट्यूशन एक पीस ऑफ पेपर, मतलब पेपर के टुकड़ों के रूप में ही बस है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, कोई भी इसको फॉलो नहीं करता है। द एक्सपीरियंस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, लेकिन हमारे संविधान का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, इट इज़ रियली डिफरेंट ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी, लगभग आधे से ज़्यादा सेंचुरी से, आधे सेंचुरी मतलब 50 से अधिक वर्षों से, सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन्ड सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ग्रुप्स ने जो है संविधान के कई प्रोविजंस पर प्रश्न किया है। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पोलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन्ड द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ, लेकिन कोई भी बड़ा समूह या कोई भी बड़ी पोलिटिकल पार्टी ने आज तक संविधान की लेजिटिमेसी, उसकी वैलिडिटी पे कभी क्वेश्चन नहीं किया कि संविधान क्यों है, इस पे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। लोगों ने, सबने मिल करके इस संविधान को एक्सेप्ट किया, समय समय पर उसको अमेंड किया। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी संविधान के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। द सेकेंड रीज़न,
दूसरा रीज़न ये है फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज, संविधान को एक्सेप्ट करने का दूसरा रीज़न था इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है वो देश के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, उस दौरान दुनिया किसी भी देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब समझते हैं आप लोग, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सभी को अबव 18 के सभी को वोट देने का अधिकार। पहले वोटिंग राइट 21 ईयर होता था, बाद में 1989 में उसको 18 ईयर कर दिया गया। सबको वोट देने का अधिकार जो है उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना, जो भी वयस्क हैं एडल्ट हैं उनको वोट देने का अधिकार। एट दैट टाइम सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाई ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने भी सबको वोटिंग देने का पूरा ये अधिकार नहीं चुना। उसके स्थान पे इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाई द मेम्बर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स दैट वी मैंशनड अबव ना। इसके स्थान पे हमारे संविधान को मेनली यू नो जो मेंबर थे, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के ना, जो पहले लिखे गए हैं दिखाए गए हैं, इनके द्वारा जो है पहले इसको चुना गया। दिस इंश्योर्ड अ फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स, ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो उसमें सबको ज्योग्राफिकली जो एक ज्योग्राफिकली एक शेयर, एक फेयर शेयर दिया गया कि हर 10 लाख पर एक मेंबर चुना गया। तो हर एरिया से कोशिश किया गया कि हर एरिया से, देश के हर क्षेत्र से एक एक मेंबर चुन करके आए, ठीक है। कभी कभी इग्नोर भी किया गया कि 10 लाख मेंबर उस क्षेत्र में नहीं है तो भी वहाँ से रिप्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है, इसलिए एक मेंबर वहाँ से भी लाया गया। ओके, द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस, असेंबली में इंडियन नेशनल कांग्रेस की डोमिनेंस हुआ करती थी। द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, वो पार्टी जिसने भारत की स्वतंत्रता की आज़ादी को लड़ाई लड़ी थी। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पोलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस, लेकिन कांग्रेस में भी कई तरह के राजनीतिक समूह और राजनीतिक विचारधाराएं हुआ करती थी। द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, असेंबली में बहुत से ऐसे मेंबर्स हुआ करते थे जो कांग्रेस से एग्री नहीं हुआ करते थे। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, असेंबली में भी अलग अलग भाषा के लोग, कास्ट के, क्लासेस के, रिलीजन्स के और ऑक्यूपेशंस, अलग अलग जॉब करने वाले लोग भी शामिल थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर एक बार संविधान को हम मान लें कि संविधान सभा अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो हमने बाद में लागू किया अगर उसके आधार पर वो बनाई गई होती सो इट्स कॉम्पोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट, तो शायद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो वेरिएशन था, इतने बड़े पैमाने पर सबको रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, शायद इतना वाइड, इतना डिफरेंट, मतलब इतने डिफरेंस ना होते, ठीक है, तो एक कमी रह जाती उसमें। ओके, सो फाइनली अगर देखें इसको, द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वर्क करती है वो इसको एक पवित्रता देती है हमारे संविधान को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, वर्कड इन अ सिस्टमेटिक ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर, संविधान की हमारी जो सभा थी उसने बहुत ही सिस्टमेटिकली खुले मन से और एक कंसेंशुअल मैनर से, एक चेतना के साथ अपना काम किया। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए, फिर उसमें सबकी सहमति बनाई गई, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान को निर्माण करने की कमेटी, उसका चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, जिन्होंने बाद में चल करके डिस्कशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। सेवरल राउंड्स, छः सात मेंबर थे बी आर अम्बेडकर की कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी में उसके हेड थे, मिलकर इन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। कई राउंड जो है उस पर डिस्कशन हुआ संविधान के हर एक पार्ट पर ना, टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाई क्लॉज, क्लॉज मतलब संविधान का एक पार्ट होता है, यहाँ पे क्लॉज बाई क्लॉज जोड़े गए। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड, 2000 से अधिक अमेंडमेंट्स किए गए। द मेंबर्स डेलिबरेटेड फॉर 114 डेज, मेंबर्स जो हैं उन्होंने 114 दिन खर्च किए, स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स, ठीक है, 114 डिस्कशंस हुए, तीन लगभग 2 साल 18 महीने 11 दिन का समय खर्च हुआ।
एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्क स्पोकन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हर डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रस्तुत किया गया, हर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया गया, प्रिजर्व किया गया. सो दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कहा जाता है. व्हेन प्रिंटेड, जब ये प्रिंट हुआ, सो दीज डिबेट आर लाइकली 12 बल्की वॉल्यूम्स. तो ये जो डिबेट था ये 12 बड़े बड़े वॉल्यूम्स में बट गया. दिस डिबेट्स प्रोवाइड अ रेशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजंस. तो ये जो डिबेट्स थे दे प्रोवाइड अ रेशनल, एक विजडम प्रोवाइड करते हैं बिहाइंड एवरी प्रोविजन. हर प्रोविजन के पीछे एक बुद्धिमत्ता छिपी हुई थी संविधान के. सो दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इन सभी रेशनल्स का इस्तेमाल जो है इन कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए किया गया. सो दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. स्टूडेंट्स, होप आपको यह समझ में आया होगा. कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन आस्किंग इफ यू हैव एनी क्वेरी. टिल देन थैंक यू.